तो हाँ जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके 10 ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास देखो अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी फिलहाल, नहीं तो क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो को मैं डायरेक्ट तो नहीं डाल रहा, इसलिए मेन रीजन है कि इसको लाइव क्लास में नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन दिखाने में दिक्कत होती। इसको मैं एडिट करके फिर मैं अपलोड करूंगा, आपको क्वेश्चन विजुअल होगा, साथ में ही आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए मेरे पास किताब है, मैं पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर वैल्यू एडिट स्टेटमेंट एंड रिकनसाइल वैल्यू एडिट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। और रिकनसलेशन भी करना है, तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह चीजें दी हुई है, तो मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ। एक बार मैं पहले फॉर्मेट बना लू आपके लिए। बहुत आसान है ये टॉपिक, और 10 नंबर का आ जाता है तो समझ लो प्री के नंबर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सर, सेल्स लिखेंगे, और नीचे एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट भी पढ़ लेना, कहीं सेल्स में कुछ ऐसी चीजें तो एडिट नहीं है जो हमारे काम के नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनवॉइस वैल्यू गुड्स एडिट सप्लाई डिडक्टिंग डिस्काउंट रिटर्न गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। सर जो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है उसमें से डिस्काउंट डिस्काउंट सब काट के दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं काटा होता तो हम माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर 2000 रुपए वेजेस सैलरी एंड अदर बेनिफिट एम्प्लॉय को इंक्लूडेड है एज अ वेजेस सैलरी एंड अदर। तो भैया 2000 रुपए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर 51,316 रुपए, इसमें से 2000 हटा दिए जाएंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड टेम्परेरी, हाँ बिल्कुल बैंक ओवरड्राफ्ट को हम ट्रीटेड टेम्परेरी ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ टैक्सेशन ट्रांसफर 90 रुपए क्रेडिट टू द डेफर्ड टैक्स अकाउंट। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, यानी हमारा इनकम आ जाएगा एक तरीके से। आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न, जो प्रॉफिट अर्न किया हमने 50 रुपए, यानी 3000 लगा रखा है, 50 हैज बिन ट्रांसफर पीपीई रिप्लेसमेंट रिजर्व, एक रिप्लेसमेंट रिजर्व में डाल दिया हमने 50 रुपए, तो जो हमारा लास्ट वाला पार्ट था ना एप्लीकेशन में चला जाएगा ये। डिविडेंड डिक्लेयर किया हमने 90 रुपए, ठीक है। रिटेन अर्निंग हमारे पास पहले 110 रुपए बचा लिया, मैच करना। यू आर प्रिपेयर वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, रिकनसाइल भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा था सर, सेल्स दे रखा था। सेल्स कितने का दे रखा था हमारा, 57 57। ऊपर क्या लिखना है आपको, जो कंपनी का नाम है, जैसे एमके लिमिटेड, ऊपर जो भी था जैसे एमके लिमिटेड, एमके लिमिटेड के बाद आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड। हो, मुझे लगता है ऊपर वाला हिस्सा शायद ना दिखे आपको, तो मैंने बोल दिया, उस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। तो आ जाइए पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट में ही कर देते हैं, तो 57050050, ठीक है। और ये अमाउंट गिवन है हमें सर 30 में, मतलब 30 है इसके ऑलरेडी आगे, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट नहीं करना चाहते। अब इसके बाद हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ ब्रॉट मटेरियल। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ब्रॉट मटेरियल 51,316 है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, 51,316। और बोलता है कि 20,000 एडजस्टमेंट नंबर आप कौन सा देखेंगे सर, एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है 20,000 इसमें सैलरी वेजेस का, यहां से माइनस करिए 20,000, यानी यहां का जो हमारा खर्चा होगा वो होगा 31,316, ठीक है, ये माइनस होना है। इसके बाद आगे देखा जाए तो हमारे एक्साइज ड्यूटी है, तो आपको पता है सारे टैक्सेस लेंगे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सर कहां मिलेगा सर, एक्साइज ड्यूटी ये आपको पीएनएल के अंदर देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के एक्साइज ड्यूटी इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट से 34,36 यहां पे आ जाएगा, 34,36 ये भी माइनस करेंगे। इसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट यहीं आ जाएगा, ऑन बीओडी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है एक तरीके से ये, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे आ जाएगा हमारा 186, ये भी माइनस कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेंडर पे चला जाएगा, डेप्रिसिएशन बाद में चला जाएगा, और साथ के साथ हमें कुछ और ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा वैल्यू एडिट बाय मैन्युफैक्चरिंग कह लो या बाय ट्रेडिंग एक्टिविटी कह लो सर, ये कितने निकल के आएंगे, क्योंकि डिजिट कैलकुलेटर पे चेक करते हैं भैया, कैलकुलेटर कैलकुलेटर ये रहा,
कितने आएंगे फटाफट चेक करिए, 57050, ओहो 57050 माइनस 31316 माइनस 34036 माइनस 186, ये आ गया हमारा सर 22112। ठीक है, 22112। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमें एडिट करना है। क्या एडिट करना है, कोई अदर इनकम तो नहीं है? तो सवाल में देखेंगे आपको अदर इनकम भी गिवन है, 1512 रुपए, अदर इनकम 1512 रुपए। तो अदर इनकम, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस प्लस हो रहा है तो यहीं पे लिख देंगे, दैट इज 1512। इनको टोटल करने के बाद आ जाएगा 23624। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिट। अब इनको कहाँ कहाँ खर्च करना है वो चीज देखेंगे साथ के साथ ना। एक हम परसेंटेज का भी कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा कोई रोल नहीं है। परसेंटेज का भी कॉलम मैंने जैसे बनाया हुआ है साथ के साथ बना लेंगे, और हम ये चेक करेंगे, ये तो हमारा 100% वैल्यू है, और कितने कितने परसेंट वैल्यू हमने कहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, टू पे, किसको पे किया हमने, टू पे एम्प्लॉई, आपको स्टार्टिंग में दिखा था एम्प्लॉई को, उसने कहा था कि 20,000 रुपए है लाइक सैलरी वेजेस के लिए, तो मैंने यहां पे लिख लिया सर 20,000। ये अलग सिस्टम है, यहां से यहां अलग है और ये 20,000 है। हम इसका परसेंटेज निकालेंगे कि 20,000 कितने परसेंट के बराबर है। इसके बाद वेजेस सैलरी अदर बेनिफिट, उसके बाद क्या होगा, पे टू गवर्नमेंट को हमने कोई पे किया, पे टू गवर्नमेंट कोई टैक्स है क्या? तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने यहां पे कहां मिलेगा सर, कहां मिलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को चार्ज इंक्लूसिव 92 क्रेडिट डेफर टैक्स। डेफर टैक्स आपका बेनिफिट होता है जो आपको मिल जाता है। तो आपने देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 550 का, तो आपका ये डेफर टैक्स दोनों हो सकता है, आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है, मिल भी सकता है। तो डेफर टैक्स आपको क्लियरली गिवन हो, क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, तो यहां पे हमें क्रेडिट होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा दे रखा था पी, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने दे रखे थे, 550। इसमें से तो हमें डेफर टैक्स कहता है कितने रुपए का था साहब, डेफर टैक्स कहता है 90 रुपीज का था, तो इसमें से 90 तो माइनस ही हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कितना पेड किया, अभी हम लिख लेंगे एक बार टोटल करके, ठीक है। और उसके बाद लोन, टू पे, टू टू पे, या कह दो पे टू कह दो, टू पे लेंडर प्रोवाइड, पे प्रोवाइडर लोन या लेंडर, क्या पेमेंट किया सर आपने, इंटरेस्ट कितने रुपए का, आप देखो सबसे पहले जो इंटरेस्ट था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके नीचे दिख रहा है कितने रुपए का दिया आपने इंटरेस्ट, ओहो इतना सारा इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट दे दिया उनको, 2314 रुपए, 14 डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये 90 माइनस करोगे तो 450, 460 आ जाएगा। इसके बाद और क्या किया है आपने, शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड दिया है 90 रुपए का, एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 6 में। तो टू पे शेयर होल्डर, देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा डिविडेंड कितने रुपए का, 90 रुपए का, 90 रुपए का, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो इसने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है कितने रुपए, टू प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर सम 50 रुपीज हैज बीन ट्रांसफर पीपीई रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो कोई भी रिजर्व है तो टू प्रोवाइड, करा था ना एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, और उसमें सबसे पहले एक रिजर्व में ट्रांसफर किया, कौन सा रिजर्व, पीपीई, और कितने रुपए, 90 रुपीज, ठीक है। और कहता है रिटेन अर्निंग भी है हमारा सर, और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन कितने का है, ये शायद आपको ना दिखे, मैं इसको टू बी कंटिन्यू आगे कर रहा हूं, मुझे डर था यही कि नहीं आ पाएगा। प्रोवाइड टू द, जो एक्सटेंशन वाला है ना पार्ट, वो यहां कर रहा हूं, चलिए प्रोवाइड टू एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, चलो
सर डेप्रिसिएशन आपको सवाल में देखोगे, आपको गिवन है सवाल में, और कितने रुपए डेप्रिसिएशन है, 510 रुपए। डेप्रिसिएशन के बाद आप क्या लोगे, पीपीई जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है, रिप्लेसमेंट सॉरी पीपीई हाँ रिप्लेसमेंट रिजर्व है सर। एक यहां आपने पैसे बचा लिए, पैसे खर्च कर दिए, जो मर्जी बोल लो आप, कितने रुपए हैं, 50 रुपए। इसके बाद सर कहां पे खर्च किए पैसे, इसके बाद आपने डेफर्ड टैक्स अकाउंट एक बनाया, वहां भी पेमेंट डाला, क्योंकि अलग से कह रहा है डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना के आपने पेमेंट डाला है सर, ये समझा दो। क्योंकि देखो एडजस्टमेंट में क्या कहता है, आप एडजस्टमेंट को देखिएगा, कहता है द चार्ज टैक्सेशन इंक्लूड 90 रुपीज क्रेडिट डेफर्ड टैक्स, यानी टैक्सेशन में जो चार्ज किया उसमें 90 क्रेडिट है। क्रेडिट है तो क्रेडिट कहां से हुआ, कहीं ना कहीं से हमने दिया होगा तभी हुआ, तो यहां से हमने रिजर्व से पैसा निकाल के उसको दे दिया होगा, इसलिए वहां चला गया हमारा। कितने रुपए का सर, वही 90 रुपीज। इसके बाद क्या है सर, रिटेन प्रॉफिट, रिटेन आपने प्रॉफिट बचा लिया, ये भी सवाल कह रहा है, और कितने कह रहा है सर, 110 रुपया। इसके साइड में एक परसेंटेज का कॉलम बना लेते हैं बस। अब इनका टोटल करेंगे तो 23,624 ही आना चाहिए इसका टोटल, इसका टोटल 23,624 ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं कितने हैं सर, 20,000, 2314, ये वाला नहीं है क्योंकि हम आगे ले जा चुके हैं, प्लस 510 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 110 और प्लस 90, 23,624, 23,624। अब आपको ये डिटरमाइन करना है साहब कि ये कितने, अभी रिकंसिलेशन भी इसी में कर लेंगे, रिकंसिलेशन कुछ नहीं है बस सिंपल है, ये डिटरमाइन करना है कि कितने परसेंटेज का है। तो कैसे निकालोगे आप, पहले का मैं परसेंटेज निकाल देता हूं, यहां निकालता हूं, ठीक है यहीं पे निकालता हूं, 20,000। इसका परसेंटेज चेक करना है तो 23,624 इंटू में 100, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 23,62, 23,62,4। तो सर ये आ गया 84%, कितने परसेंट आ गए, 84। ऐसे आप इसका निकालोगे 460 डिवाइडेड बाय 23,624, ये आ गया आपका 1.947। हालांकि बोला नहीं है लेकिन निकाल रखा है मैंने, तो इसलिए मैं निकाल देता हूं कि इसका कितने कितने परसेंटेज किस किस के ऊपर एक्सपेंस हुआ, ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। 23,14 डिवाइडेड बाय 23,624, ये 9.79, 90 डिवाइडेड बाय 23,624, ये आ गया 0.380, तो ये भी आ जाएगा 0.380। 50 डिवाइडेड बाय 23,624, ये आ जाएगा 0.21, जिसके 510 डिवाइडेड बाय 23,624, ये 2.15, और 110 डिवाइडेड बाय 23,624, ओहो 110 डिवाइडेड बाय 23,624, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है, 0.46। और ये टोटल करोगे ना तो राउंड फिगर में कहीं ना कहीं 100% बैठेगा। तो ये बन गया हमारा क्या, हमने एग्जामिनर को बताया कि भैया हमारा जो वैल्यू एडिट ये रहा, और इसको हमने कहां कहां एप्लीकेशन के थ्रू हमने खर्च किया, इसके ऊपर लिखोगे एप्लीकेशन, एक लाइन रहेगा लिखना, एप्लीकेशन प्रोवाइड वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये लाइन आप लिख लोगे। 10 ईयर में मैंने क्लियरली लिखा है, वही फॉलो आपको करना है। आगे रिकंसलेशन की बात करते हैं, और इसमें क्लियरली बोला है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रिकंसलेशन करना, तो रिकंसलेशन के अंदर हमारा यही टोटल आना चाहिए, यानी जो वैल्यू एडिट के अंदर वही है। आपको बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पीएनएल से पैसा उठा दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर, 800 रुपए, आपको दिख रहा होगा आपका जो पीएनएल देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे नीचे टैक्स के बाद है, और बिफोर टैक्स कितने दे रखे हैं सर आपको, 800। अब उन चीजों को यहां पे इसके अंदर
ऐड बैक कर देंगे जो कि यहां पे कंफर्म नहीं है, यानी इनमें से कुछ चीजें इसमें वापस से ऐड बैक हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन सर, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन 510, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दें, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन आ गया, जो प्रॉफिट जो आपने खर्चे हैं जो पीएनएल के अंदर जाता है उन आइटम को वापस ऐड बैक करिए जो पीएनएल के अंदर जाता है, तो डेप्रिसिएशन भी जाता है, वेजेस एंड सैलरी भी जाता है। हालांकि आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि वेजेस तो सर ट्रेडिंग का पार्ट है, तो यहाँ वेजेस सैलरी इकट्ठा यहाँ पे ले लिया है कितने रुपए का, 2000 रुपए का, और सर 10% डिबेंचर इंटरेस्ट सर कितने का था, इंटरेस्ट 2314। अब आप यहां पे ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय को पेमेंट ले लिया, गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है वो पीएनएल के डेबिट में कभी भी नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स वगैरह। पे टू लेंडर ले लिया सर, शेयर होल्डर का डिविडेंड भी आप देखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते थे, उसको अलग से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा करते थे और उसको अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं इसलिए, और ये सारा आइटम बस एक ये आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी सिंपली बोलूं तो जो पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस फाइनल अकाउंट के अंदर इधर उधर होता है उसको छोड़ दो, बाकी यहाँ पे ले लो, और वापस से जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका यही आ जाएगा 23,624। ये आ गया हमारा रिकंसिलेशन। सर स्टेटमेंट में क्या लिखना है ऊपर, ऊपर आप सिंपली लिख दोगे रिकंसिलेशन ऑफ टोटल वैल्यू एडिट, टोटल एडिट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, एक और सवाल दे रखा है, मैं दो तीन सवाल करूंगा फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडिट के करूंगा, यानी 10 ईयर के मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद फिर आपको क्लियरिटी होगा कि करना एक्चुअल में क्या है। तो इस क्वेश्चन को पूरा आप नोट करिए, नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।